हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब का इस्तेमाल क्यों होता है और किस लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब का इस्तेमाल एक से अधिक लेटर अगर हमें वन टाइम में टाइप करने हो या वन टाइम में एक से अधिक लेटर बनाने हो या फिर ये कहिए कि एक टाइम में एक से अधिक एनवलप्स पर एड्रेस प्रिंट आउट करने हो या एक से अधिक लेबल वन टाइम में बनाने हो तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब का इस्तेमाल होता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब सबसे पावरफुल टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो आइए मेलिंग टैब को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेलिंग्स टैब्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें सीखेंगे कि एक समय में हम एक से अधिक लेटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक जो पर्टिकुलर एक ही लेटर हमें बहुत सारे एड्रेसेस पर पोस्ट करना है उस लेटर को हम टाइप कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने यहां पर एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। लाइक मैं एक फॉर्मेट आप लोगों के लिए ओपन करता हूं अपॉइंटमेंट लेटर का। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक लेटर है कि अगर हमारी कंपनी रिक्रूटमेंट करती है 20 एम्प्लॉई, 50 एम्प्लॉई या फिर 100 एम्प्लॉई और उनके रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर वन टाइम में गिवन करना चाहती है जिसमें मैटर इस प्रकार लिखा हुआ है। लेकिन अब देखिए, इस लेटर में जिस जिस पर्सन को हम अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे उसका एड्रेस यहां पर डिफरेंट डिफरेंट होगा और उसका नेम यहां पर डिफरेंस होगा, उसका जो रोल ऑफ क्राइटेरिया है मींस वो किस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है वो यहां पर डिफरेंट होगा, कंपनी का नेम जिस कंपनी के लिए वो हायर्ड है और यहां पर किस डेट से वो अपॉइंट हो रहा है, इस तरीके के कुछ फील्ड्स डिफरेंट होंगे, बाकी ये मैटर सेम रहेगा। तो उसके लिए हमें बार बार लेटर को टाइप करने की बजाय हम लेटर के फॉर्मेट को एक बार टाइप कर लेते हैं और यहां पर हम क्लिक करते हैं उसके एड्रेस के लिए। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, मेलिंग्स पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट मेल मर्ज। हम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेटर के लिए, तो हम लेटर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। तो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। इसके लिए यहां पर है टाइप न्यू लिस्ट। इस ऑप्शन को हम तब यूज करते हैं जब हम उन एम्प्लॉयज जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट अभी प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट को अभी एड ऑन करना चाहते हैं। लेकिन हमने पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए डेस्कटॉप पर, ये है मेरी कंपनी जिसके लिए मैंने एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है, एम्प्लॉयज का नेम है, कौन सी ब्रांच के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, क्या रोल्स ऑफ क्राइटेरिया है और उन एम्प्लॉयज का क्या एड्रेस है, किस सिटी से वो सिलेक्टेड है और क्या स्टेट है, क्या उनका जिप कोड है। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी एक्सेल में एक डेटा शीट प्रिपेयर की हुई है। तो उसके लिए हमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट को टिक करना है। ओके, यहां पर हमें उस लोकेशन में जाना है जिस लोकेशन में हमने अपनी एक्सेल की फाइल को सेव किया हुआ है और एक्सेल की फाइल को क्लिक करने के बाद हमें ओपन टैब पर क्लिक करना है। अब आप एक्सेल की उस शीट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपके ये सारा डेटा मेंशन है। हमारे पास एक्सेल की एक ही शीट यहां पर है, तो शीट वन को क्लिक करेंगे और ओके पर माउस का कर्सर क्लिक करेंगे। देन आप देखते हैं जैसे ही रिसिपिएंट आपके एड ऑन हो चुके हैं तो यहां पर राइट एंड इंसर्ट फील्ड का एक ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है जो कि पहले डीएक्टिवेटेड था। अब आपको जहां पर जो फील्ड एक्टिव करने हैं उस जगह पर कर्सर रखना है। जैसे लाइक मुझे यहां पर उस पर्सन का नेम राइट करना है जिसको मैं ये लेटर भेजना चाहता हूं और उस पर्सन के एड्रेस को यहां पर मेंशन करना है, तो मुझे यहां पर कर्सर पिक करना होगा और इंसर्ट फील्ड पे जाकर के फर्स्ट ऑफ ऑल उस एम्प्लॉय का नेम मुझे यहां पर सिलेक्ट करना होगा। उसके नेम का फील्ड आ चुका है, एंटर की, फिर एम्प्लॉय यहां पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, एम्प्लॉय का एड्रेस मुझे चाहिए तो एड्रेस को क्लिक करना है, फिर उसका सिटी मुझे रिक्वायर्ड है तो सिटी एंटर की, अगेन मुझे स्टेट रिक्वायर्ड है तो स्टेट,
फिर एंटर की प्रेस करेंगे, फिर मुझे जिप कोड की रिक्वायरमेंट है तो मैंने जिप कोड के फील्ड को यहां पर इंसर्ट कर दिया। अब डियर के बाद मुझे उस पर्सन का नेम यहां रिक्वायर्ड है तो अगेन हम एम्प्लॉय नेम को यहां पर फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। देन यहां पर मुझे इस एम्प्लॉय का रोल यानी कि डेजिग्नेशंस की रिक्वायरमेंट है, इसे डॉट्स को मैं डिलीट करता हूं और यहां पर इंसर्ट फील्ड से उसके एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन यानी कि रोल ऑफ जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन मुझे यहां पर अपनी कंपनी का नेम चाहिए जिस एम्प्लॉय कंपनी के लिए मैंने एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, तो यहां कर्सर रखने के बाद हम क्या करेंगे, कंपनी नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन यहां उसका ज्वाइनिंग डेट जो हमने पहले से एंटर किया हुआ है उसके फील्ड को यहां पर इंसर्ट कर लेते हैं। अगेन नीचे यहां पर फिर कंपनी नेम मेंशन है तो हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाकर कंपनी फील्ड को फिर से यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब आप देखेंगे यहां पर वो सारे टाइटल्स इंसर्ट हो चुके हैं जो मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड से। ये आप फ्रेंड्स, ये जो टाइटल्स हैं ये मैंने जो एक्सेल में रिकॉर्ड मेंटेन किया है ये उनके हेडर्स ऑप्शंस हैं। ओके, हेडिंग ऑफ द टाइटल्स हैं। अब आप प्रीव्यू देखेंगे तो यहां पर देखेंगे आप पहला जो रिकॉर्ड मेंटेन है एक्सेल में उससे रिलेटेड डेटा यहां पर इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप यहां पर उस डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। अब आपको अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है तो यहां आप देखेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही आप देखेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड चंदन के नाम से आ चुका है। फिर नेक्स्ट करेंगे, अगेन चेंज, लेटर वही है लेकिन जो आपके फील्ड्स थे वो चेंज हो रहे हैं। इस तरीके से आप नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं, इस तरीके से बैक करके वन बाय वन। ये डायरेक्ट लास्ट पोजीशन पे जैसे 38 लेटर्स मेरे पास यहां पर हैं रिकॉर्ड्स, और ऐसे फर्स्ट पोजीशन पर आप आ सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये लेटर सभी एक साथ में आपके प्रिंट हो तो उसके लिए आपको फिनिश एंड मर्ज फील्ड पर जाना है, प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और यहां ऑलरेडी डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड रहेगा। अगर आपको ऑल पर टिक किया हुआ और ओके करेंगे तो सारे के सारे जो 38 आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, 38 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप करंट रिकॉर्ड करेंगे तो जिस करंट पोजीशंस पर आपका कर्सर होगा, जिस करंट शीट पर आप होंगे, उसी का आउटपुट निकल करके आएगा। और फ्रॉम से आप एक लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 38 लिस्ट हैं और मैं 1 to 10 यहां रिक्वायर्ड करता हूं तो 1 से लेकर 10 तक के जो लेटर हैं मेरे अपॉइंटमेंट के वही प्रिंट आउट होकर के आएंगे। अगर आप प्रिंट देखने से पहले, प्रिंट निकालने से पहले इनका प्रीव्यू देखना चाहते हैं सभी के इंडिविजुअल लेटर्स को, तो अगेन फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और ऑल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ओके की प्रेस कीजिएगा। अब आप देखेंगे यहां पर सभी के लेटर इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, वन बाय वन आप देख रहे हैं लेटर सेम है, जो फॉर्मेट आपने चेंज किया था, जो डेटा आपने इंसर्ट किया था वो अलग अलग आपके पास इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप सभी के सभी लेटर्स को, अब आप फाइल पर जाकर के प्रिंट पर क्लिक करना है और आपको यहां से ऑल पेजेस करना है, नंबर ऑफ कॉपीज 2 निकालना है तो प्रिंट करके यहां से प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा मेलिंग ऑप्शंस में मेल मर्ज से लेटर को कैसे प्रिंट किया जाता है वन टाइम में, तो आइए इसको क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन मेल मर्ज का सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड मेलिंग में, हम एक नई शीट ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम मेलिंग्स पे जाते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, देन हम क्लिक करते हैं एनवेलप्स। मैंने आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट लेटर्स के जो बहुत सारे एम्प्लॉय थे उनको वन टाइम में हमने अपॉइंटमेंट लेटर भेजना था, अपॉइंटमेंट लेटर को कैसे प्रिंट करना है वो हमने मेल मर्ज से सीखा। अब उन्हीं लेटर्स को हम जिन एनवेलप्स में डाल करके पोस्ट करेंगे या फिर स्पीड पोस्ट करेंगे, उस एनवेलप पे हम चाहते हैं रिटर्न एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस प्रिंट होकर के आए, तो इतने सारे एनवेलप एक साथ हम कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज पे एनवेलप पर हमने क्लिक करना है। अब यहां से आपको एनवेलप का वो साइज चूज करना है जिस साइज के एनवेलप में आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर को या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेंड करना है उसे यहां से सिलेक्ट करेंगे। हम जिस अपॉइंटमेंट लेटर के लिए या जिस भी एनवेलप के साइज को चूज करते हैं उस पे कर्सर ले जाकर के आपको ओके करना है, या ओके करने से पहले अब आप देखेंगे डिलीवरी एड्रेस फॉन्ट, रिटर्न एड्रेस फॉन्ट मींस डिलीवरी एड्रेस का कोई फॉन्ट कलर स्टाइल्स अगर आप चेंज करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। एज इट इज यहां से रिटर्न एड्रेस का भी फॉन्ट कलर नेम स्टाइल सब चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से सभी स्टाइल्स हैं। यहां से आप उसका फॉन्ट, उसके स्टाइल्स को, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, साइज को, फॉन्ट कलर अंडरलाइन या फिर कोई इफेक्ट्स को आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं।
ओके देन उसके बाद आप ओके करेंगे तो देखेंगे जो हमारी शीट्स है वो एनवलप के फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे लिए टू का एड्रेस है जिसे हमें सेंड करना है उसका, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये फ्रॉम का एड्रेस है। तो आपको जिसे भेजना है उसके लिए आप यहाँ पर टू मेंशन कीजिए और यहाँ पर उसका एड्रेस इंसर्ट करने के लिए स्टार्ट रिसिपिएंट पर क्लिक करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग लिस्ट डेस्कटॉप पर जो हमने अपॉइंटमेंट लेटर्स के नाम से सेव किया हुआ है, मींस जो लिस्ट है उस पर क्लिक करते हैं और शीट वन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इंसर्ट मर्ज फील्ड से हमें उस एम्प्लॉय का नेम लिखना है, फील्ड इंसर्ट करना है जिसे हम लेटर भेजना चाहते हैं, एंटर की। अगेन उसका एड्रेस मुझे यहां इंसर्ट करना है, एंटर की। अगेन सिटी, अगेन स्टेट एंड जिप कोड। आप देखेंगे इसमें गैप आ रहा है तो उसके लिए हम होम टैब पर जाकर के यहां से इसके गैप को मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल को सिंगल और आफ्टर के गैप को जीरो करके ओके। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इंसर्टेड है। अब यहां पर आप फ्रॉम जो भेज रहा है उसका एड्रेस, ओके हम भेज रहे हैं तो हमें क्या करना है, मेलिंग ऑप्शन सेम एज इट इज इंसर्ट मर्ज फील्ड पर अपनी कंपनी का नेम और अपनी कंपनी की जो ब्रांच एड्रेसेस है उसको यहां पर सिलेक्ट करना है, ओके इस तरीके से। अब आप प्रीव्यू करेंगे तो देखेंगे दोनों एड्रेस यहां पर इंसर्टेड हैं। अगर आप इनका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो फर्स्ट आप इनको बोल्ड कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके बोल्ड या फिर बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक एनवलप आपके पास यहां पर इंसर्ट हो जाता है। सारे एनवलप आपको वन टाइम में रिक्वायर्ड हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं या एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन ओके की प्रेस करना है तो आप देखेंगे सभी के सभी एनवलप वन टाइम में आपके यहां पर इंसर्ट हो चुके हैं। आप सिर्फ इनको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हमने सीखा मेलिंग से लेटर कैसे प्रिपेयर करते हैं, एनवलप कैसे प्रिपेयर करते हैं, एज इट इज आप लेबल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेल मर्ज के ऑप्शन को हमने सीखा, इसी आशा के साथ कि हमारी बनाई गई वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं और हमारे इस प्रकार की वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।